Hello guys and welcome back to Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, एक दिन लेट हो गया थोड़ा सा, right? मैंने बोला था 9th of April से स्टार्ट होगा, but today is 10th of April. वो भी एक रीजन है बहुत जनाइन सा, ठीक है? And you guys going to laugh कि भाई हम लोगों ने वीडियो प्रिपेयर करी, वीडियो बनाई मैंने, ठीक है, शूट करी, and it was something like के एक ही साउंड दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? वो गूंज रही थी आवाज, तो इस चक्कर में वो वीडियो मुझे थोड़ा सा अपलोड करने में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक ही आवाज आप 4 बार सुनते तो ना तो आपके समझ में आता ना मजा आता, तो इसीलिए वो वीडियो कल अपलोड नहीं हो सका। तो चलिए हम लोग आज से हमारा क्लास 11th का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। नॉट टू वरी अबाउट द थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? कुछ चीजें क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ कुछ चीजों के लिए कि भाई देखो, जो 10 तक पढ़ के आए हो वो सिर्फ एक समथिंग लाइक कि हम लोग एक बाल्टी भर साइंस पढ़ के आए हैं और अब हमें लगभग एक ओशन पढ़ना है। तो नाउ द साइंस इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी मच ब्रॉड एंड ब्रॉडर एज कंपैरिजन टू क्लास 9th एंड एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्लास 10th, ठीक है? जो 9th 10th में पढ़ा वो 11th और 12th के बुक्स के फर्स्ट पेज पे बाइंड अप होके खत्म हो जाएगा। तो नाउ यू कैन इमेजिन के चैप्टर कितना बड़ा है, ठीक है? लॉट्स ऑफ डेरिवेशंस आर देयर, लॉट्स ऑफ व्यूज आर देयर, कंफ्यूजन्स विल बी देयर, तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो घबराना नहीं है, बस चलते जाना है, ठीक है? राइट। एंड सेकेंड थिंग कि भाई बुक्स के लिए जनरली सब लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रेफर करें, तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आप कुछ भी लो, मेन इंपॉर्टेंट है आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, तो उसके लिए कंफ्यूज ना हो। वी आर हियर, हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। बुक्स सिर्फ क्वेश्चंस के प्रिपरेशन के लिए ले लीजिए, एंड ऐसा भी नहीं है, मैं कहता हूं कि भाई वो ना भी लो तो चलेगा, हम लोग भी क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है ना? राइट, सिमिलर टू दैट ऑफ 10th, ठीक है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो बता देता हूं। आपको बताया गया फिजिक्स क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, साइंस एंड फिजिक्स, ठीक है? तो साइंस का एक पर्टिकुलर पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स को भी बहुत आगे क्लासिफाई किया है, फ्लूइड फिजिक्स आएगी, मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड्स आएगी, थर्मोडायनामिक्स आएगी, ठीक है? और भी अलग अलग तरीके की फ्लूइड्स की आएगी, ठीक है? रिलेटेड टू वेव थ्योरीज आएगी, ठीक है? रिलेटेड टू लाइट थ्योरी आएगी, तो अलग अलग तरीके के ऑप्टिक्स फिजिक्स आएगी, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं फिजिक्स के जो हमें क्लास 11th और क्लास 12th में हमें क्या करने हैं, समराइज करने हैं, उनका एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है, ठीक है? तो फिजिक्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू नेचर and natural phenomena, right? For an example, refraction, reflection, light का आना जाना, ठीक है? current का flow होना, magnetic effects का show होना, forces का लगना, ठीक है? gravitation, motion, ठीक है? and wave, ठीक है? वाटर का फ्लो होना, स्ट्रीमलाइन फ्लोज, किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर लगना, सो दीज आर व्हाट, दीज आर नेचुरल फिनोमेना। सो फिजिक्स इज समथिंग लाइक जो नेचर से जुड़ी हुई है। आप हंसते खेलते नेचर में सब जगह फिजिक्स देख सकते हो। मैंने फोन उठा, मोबाइल उठा के फेंका या पेन उठा के फेंका, सो आई एम अप्लाइंग व्हाट, फोर्स, ठीक है? मैं किसी चीज को बहुत टाइटली हिट कर रहा हूं, बाउंस बैक होके मेरे ऊपर वापस से हिट आ रहा है, अगेन इट इज अ फोर्स। सो ईच एंड एवरीथिंग is somewhat related to what, forces, ठीक है? each and everything is somewhat related to what, physics। तो generally physics बहुत simplified है, बहुत natural है, natural चीजों से related करती है। तो chapter 1 के अंदर आप लोग जो भी देखोगे that is definition of physics, definition of science, what the different scientists has their views about the physics, has their views about the different branches of physics, तो वो है सारी चीजें, किसने क्या invention किया, कब किया, that is one thing, ठीक है? now what is important for exam point of view in chapter number 1 is this topic only। इसके अलावा अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ो भी, not to worry about that, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं what do you mean by fundamental। fundamental means basic, fundamental means basic forces in nature। ये वो forces हैं जो involuntary actions के हैं। involuntary का मतलब आपको पता नहीं है but ये forces लग रहे हैं, आप जानते नहीं हो बट ये फोर्सेस लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट चार्जेस रिपेल इच अदर, करते हुए देखा क्या, एक्चुअली कोई फिजिकल सेटअप लिंक हुआ क्या, नहीं, बट वो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहा है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, ठीक है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स कभी होते हुए नहीं देखा, सिर्फ एक ही जगह होते हुए देखा, एक जगह दो जगह, वो भी ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में। अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि ये दो मार्कर्स हैं, दो बॉडी हैं जिनका मासेस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी फोर्सेस से, मैं इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये मार्कर मुझे कर रहा है, मैं इस वाले मार्कर को कर रहा हूं, ये वाला मार्कर मुझे कर रहा है, तो आप बोलोगे सर अट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन ना तो ये आपकी तरफ खिंच रहे हैं और ना ही आप इनकी तरफ खिंचके जा रहे हो, देन व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दिस। तो ये वो फोर्सेस हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट ये फोर्सेस लग रहे नेचर के अंदर, ठीक है, राइट। तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फंडामेंटल। आपको ये सारे फोर्सेस बेसिक फोर्सेस हैं, आपको बिना डिस्टर्ब किए ये फोर्सेस हमेशा हमारी बॉडी के साथ, पार्टिकल्स के साथ, मासेस के साथ, चार्जेस के साथ लगते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, होते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है, राइट। तो दीज फोर्सेस आर नोन एज फंडामेंटल। वी हैव टू स्टडी 4 फंडामेंटल फोर्सेस। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, राइट, ओके। नाउ इनमें से 3 फोर्सेस ऐसे हैं जो चार्जेस से रिलेटेड हैं, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मास से रिलेटेड है, ठीक है, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय अ फोर्स? एनीथिंग जिसके पास पावर है किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की और अपने से रिपेल करने की, पुश और पुल करने की, या फिर किसी चीज को ब्रेक डाउन करने की, दैट पर्टिकुलर इफेक्ट, राइट, दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज फोर्स, ठीक है, राइट। नाउ सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ? नेचर के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, आई रिपीट द वर्ड, कंफ्यूज ना हो, नेचर के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं, हर टाइम लगाते हैं और हर टाइम लगाते भी रहेंगे, ठीक है। दैट पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द टू ऑब्जेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, फिजिकली नहीं दिखेगा लगता हुआ, बट प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल हो रहा है। दैट पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और किसकी वजह से लगता है बच्चों? देखो, ये लगता है मासेस की वजह से। तो वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास है, वो एक दूसरे को किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच रहे होंगे। दैट पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस जो है उनके बीच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को समराइज करोगे तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻¹। सी हाउ स्मॉल इज दिस, 10⁻¹। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं और इसको भी 1 कर दूं, 1 kg ऑब्जेक्ट और 1 यूनिट डिस्टेंस मास डिस्टेंस है, तो ये सब कुछ 1 से, देन F विल बी इक्वल्स टू G। और जब F और G इक्वल हो गए तो फोर्स देखो कितना कम लग रहा है, 6.67 इंटू 10⁻¹। इतना कम फोर्स लगाता है ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट इज वाई अट्रैक्शन नाम की चीज हमें नहीं देखने को मिलती जर्नली, ठीक है। ये नेचर के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं। थर्ड थिंग, सेंटर ऑफ लाइन से जुड़े हुए होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर के अंदर, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अर्थ में बदल गया, देन इट बिकम्स ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी तरह वजह से खिंच रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ। इज दैट ओके? ठीक है, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स? वीक मतलब कमजोर है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है फोर्सेस, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये फोर्स जब डिटेक्ट हुआ, जब हमने देखा कि जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, उनका न्यूक्लियस बहुत भारी हो जाता है और उनमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिलता है कहीं कहीं पे तो कि 60 प्रोटॉन्स है और वी कैन से 290 न्यूट्रॉन्स हैं। इतने भारी भारी न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है राइट। तो इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स को होल्ड करना एक न्यूक्लियस के लिए इनकैपेबल होता है, उसकी एबिलिटी नहीं होती। तो ये न्यूट्रॉन्स अपने आप टूटते हैं एंड आफ्टर ब्रेक डाउन दे गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दिस ब्रेकडाउन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज बीटा डीके, अ काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है यहां पर, ठीक है। और वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है एनर्जी देके। तो इस समय वो जो फोर्स लगता है उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर, देयर आर 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मेन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो दीज 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर बहुत शॉर्ट समय के लिए फोर्स लगता है एंड दिस फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 25 टाइम्स ग्रेटर than that of gravitational force. Is that okay? Right? Third one, electromagnetic forces. Electro means in the presence of electric field, magnetic field, जो force लग रहा है, that force is known as electromagnetic force. Basically, electric field और magnetic field charge के साथ में आ जाती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था electricity and magnetic effects of electric current, ठीक है। electricity के अंदर क्या पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स कौन से मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली द चार्ज पार्टिकल्स विच आर मूविंग। तो इलेक्ट्रॉन्स जब रेस्ट पे होते हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, तो वो कोई भी फोर्स नहीं इंसर्ट करते, ठीक है। कभी देखा है कि एक वायर रखा हुआ उससे चीजें अट्रैक्ट हो रही है, आयरन नेल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, ठीक है ना। बट इन केस जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूविंग होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो करंट फ्लो हुआ और इनके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनके चारों तरफ जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्टार्ट हुई मैग्नेटिक फील्ड भी स्टार्ट हो गई और उसकी वजह से आसपास के चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस दैट आर एप्लीकेबल बिटवीन 4 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे समझोगे, लेट अस कंसीडर 2 चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 R डिस्टेंस अपार्ट है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, तो रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, Q1 के और Q2 के। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square and this is known as Coulomb's law that F is equals to 1/4 pi epsilon naught. This is constant term, ठीक है, is into Q1 Q2 upon R square, ठीक है राइट ओके। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ देन दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या करते हैं, रिसेम्बल करते हैं। अगेन दे आर 11 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है, एंड 36 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर फोर्स। अब न्यूक्लियस के अंदर तो क्या है, प्रोटॉन्स और क्या है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एक न्यूक्लियस देखते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है सिर्फ। अब बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव पास में आया दे रिपेल ईच अदर, फिर पास आया रिपेल ईच अदर, फिर पास आया रिपेल ईच अदर। इतना सा न्यूक्लियस है, पॉइंट से भी छोटा, और वो रिपेल कर रहा है। तो सोचो कि एक एटम के अंदर सारा साइज ही न्यूक्लियस का होना चाहिए था ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कभी इमेजिन किया ऐसा कुछ कि भाई जब रिपल्शन हो रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन में, लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, तो साइज बड़ा हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। जब उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी से छोटा हो जाता है, 1 फर्मी मीन्स 1 फर्मी, 1 फर्मी यूनिट ऑफ डिस्टेंस 10⁻¹⁵ मीटर, तो जब 1 फर्मी से छोटा हो जाता है उस समय दे बिकम अट्रैक्टिव इन नेचर, और 0.8 फर्मी से ज्यादा हो जाता है राइट, तो ऑफ रिपल्सिव इन नेचर। तो बेसिकली क्या होता है, जब साइज इससे छोटा होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्लोज हो गया, ठीक है, 1 फर्मी से भी बहुत कम हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इसी वजह से वो न्यूक्लियस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, बाइंड होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को होल्ड कर रहे, बाइंड कर रहे, इट मींस दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है, और इसी की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है और स्टेबिलिटी शो कर पाता है, ठीक है। द फोर्सेज दैट बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, एंड इट इज 10⁻³8, ठीक है, देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल। तो अगर आप इसका कंपैरिजन लोगे तो 10⁵ टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसका और इसका लोगे तो 10⁻¹३, इसका और इसका लेंगे तो 10⁻¹૧, ठीक है। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज आर strong nuclear forces, so you have to remember this ratio, this is important, ठीक है, and 1, 1, 2, 2 characteristics of each of the forces। तो n के second, third और fourth जो हमने पढ़ा, they are basically applicable for the charged particles and the first one is resemble to that of masses। So guys, this is our chapter number 1, जहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जहां पर हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपसे मिलेंगे किसके साथ, एक नए चैप्टर नंबर 2 के साथ, जहां पर हम लोग डायमेंशंस के साथ में बात करेंगे और खेलना स्टार्ट करेंगे। एंड दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज क्वाइट वेरी मच इंटरेस्टिंग और फिजिक्स का मजा आपको क्लास 11 का आना स्टार्ट हो जाएगा उस चैप्टर के साथ। तो डोंट फॉरगेट वन थिंग, कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, बट कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, डिराइव करते जाइएगा, और जब वीडियो देख के उठेंगे आई एम डैम श्योर कॉन्फिडेंट होंगे कि अब कोई सा भी फॉर्मूला ले आओ, मैं डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स, ऐसा यूनिट सब निकाल लूंगा, ठीक है। सो टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।